बड़ी खबर का कांकेर से आ रही, जहां पे अज्ञात हाइवा और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है। हादसे में स्कॉर्पियो सवार दो लोगों की मौत हुई है। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। टक्कर मारने के बाद हाइवा वाहन फरार है। चारामा थाने के झिपा टोला के पास यह हादसा पेश आया है। भीषण सड़क हादसा कांकेर में, अज्ञात हाइवा और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर जिसमें दो लोगों की दुखद मौत हुई है। स्कॉर्पियो में सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर मारने के बाद हाइवा वाहन का चालक जो है वो फरार बताया जा रहा है। झिपा टोला के पास ये हादसा पेश आया है। अज्ञात हाइवा और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर। और चलिए अपडेट लेते हैं नीरज तिवारी सहयोगी से। नीरज, कब ये हादसा पेश आया है, स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे और क्या जानकारी इस एक्सीडेंट को लेकर? जी देखिए, ये जो घटना है बीती रात 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। चारमा के जो झीपा टोला का जो इलाका है, वो जो नेशनल हाईवे है, वहां पर ये दुर्घटना हुई थी। ये जो तमाम जो स्कॉर्पियो सवार थे वो लगभग 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 लोगों की संख्या थी। ये चारमा से पिपरौद की ओर जा रहे थे। सभी के सभी पिपरौद गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना इतनी बेहद गंभीर थी, बेहद दर्दनाक थी कि जो हाइवा वाहन है, अज्ञात हाइवा वाहन, उसके साथ सीधी टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो के पूरे पखच्चे उड़ गए हैं। दो लोगों की मौत हो गई है। ये दोनों पिपरौद गांव के रहने वाले हैं और दो हैं वो जो गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। उनका उपचार फिलहाल चारमा के अस्पताल में चल रहा है। एक की अभी स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दो की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है, उपचार उनका जारी है। जो दो लोगों की मौत हुई है उनके पीएम की तैयारी भी प्रशासन पुलिस कर रही है और पुलिस इन पहलुओं की भी जांच कर रही है और जो अज्ञात हाइवा वाहन है उसकी भी जांच कर रही है ताकि वो पकड़ में आ जाए। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो ये मार्ग है, इस मार्ग पे हमेशा छोटी बड़ी वाहनों का गुजरना जरूर रहता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में रात में रेत की तस्करी हो रही है। रेत की तस्करी में बड़े बड़े वाहन, जो हाइवा वाहन है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस तरह के बड़े हाइवा वाहन होंगे जो रेत की तस्करी करने पर निकले होंगे, उन्हीं के साथ सीधी टक्कर हुई होगी, जिसमें ये गंभीर दुर्घटना हो गई है। मृतकों में कौन कौन शामिल है और घायलों को लेकर क्या जानकारी, क्या उनका हेल्थ अपडेट है? जी देखिए, मृतक जो है उसमें एक का नाम जो है ग्रीच बताया जा रहा है, एक का नाम अन्य को ये रखा हुआ है, जो कि पिपरौद गांव के निवासी हैं। ये दोनों जो निवासी हैं वो पिपरौद के ही हैं और जो दो घायल हैं वो भी पिपरौद के हैं। फिलहाल इनकी स्थिति यही है कि जो घायल हैं उनका उपचार फिलहाल चल रहा है चारमा अस्पताल में। ठीक है, नीरज तिवारी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।